नमस्कार साथियों, आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। क्या किसी वर्कर को कंपनी बीमारी के बहाने से जॉब से निकाल सकती है? अगर आप बीमार हो जाते हैं तो क्या कंपनी जॉब से निकाल सकती है? आपका अग्रीमेंट कैंसिल कर देगी, आपका वीजा रद्द कर देगी, आपको जॉब से निकाल देगी, क्या यह सच है? कौन सी कंडीशन में कंपनी जॉब से निकाल सकती है? अगर आपको निकालती है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या कानूनी आपको हेल्प मिल सकती है? क्या आपको मुआवजा मिलना चाहिए? हम डिटेल से बात करेंगे भाई। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप बहुत सारे वर्कर किसी भी देश में काम करते हैं, खास तौर से अगर दुबई की बात करें तो लाखों वर्कर हैं, सऊदी, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह सब जगह काम करते हैं। कानून सब लगभग सेम ही है, लेबर एक्ट में धाराएं एक्ट चेंज हो जाता है, बाकी सिस्टम सेम ही रहता है सबका। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका साथी काम कर रहा है, आप अचानक से बीमार हो जाते हैं। देखिए, बीमारी दो तीन तरह की हो सकती है। बीमारी का मतलब एक तो नॉर्मल बीमार, सर्दी जुकाम हो गया भाई, दो दिन रेस्ट कर लिया, नॉर्मल बीमारी। एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसका अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है, मानसिक बीमारी, मानसिक रोगी कई लोग बन जाते हैं। काम करने लायक आप हैं या नहीं है ये देखना पड़ता है। इसको कंपनी ज़्यादा सोचती नहीं है और आपका अग्रीमेंट खत्म, वीजा रद्द कर देती है। जी हाँ, जबकि आप काम करने के लायक हैं, जबकि आपको ये लगता है कि मुझे इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ। 1900 जो दुबई का लेबर एक्ट है 1980, उसमें एक्ट नंबर, कानून नंबर 8 के तहत ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। बता दूं, इसमें साफ साफ बताया गया है कि कोई भी कंपनी आपको मेडिकल के आधार पर, स्वास्थ्य में कमी बताकर आपको जॉब से नहीं निकाल सकती है। जी हाँ, इसका आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। ये नहीं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी ने आपको निकाल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकती। इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। दुबई का रोजगार कानून नंबर 124 के अनुसार बताया गया है कि भाई पहले तो आपकी जो कंपनी, जैसे साल की आपको छुट्टी मिलती है 10-15 जो भी होती है, वो छुट्टी आप उस छोटी कंपनी से मांग सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, कंपनी की जो छुट्टी है मैं यूज़ लेना चाहता हूँ, मैं मेरा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो आपको वो छुट्टी काम में लेनी चाहिए। जी हाँ, फिर कंपनी आपको, यस कंपनी को लगता है कि नहीं इसको निकालो यहाँ से, तो भाई देखिए, आपको ये लगता है कि मैं जॉब करने में सक्षम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ये बहाना बना के मुझे निकालना चाहती है, तो आप इसकी बता दूँ, आपको लगता है ये मनमाना हो रहा है, कंपनी अपनी मन मर्जी से मुझे बर्खास्त कर रही है। जी हाँ, तो ये आप सक्षम अधिकारी से, कोर्ट से जाँच करवा सकते हैं, 100 एक्ट कानून नंबर 123 के तहत में। जी हाँ, उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया, आपको बताना होगा, आपको डॉक्यूमेंट जो आप डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, सबूत हो गया, कोई भी ऐसा कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो आप लेके कंपनी के सामने एक बार आपको पुनर्विचार करने के लिए आपको पेश होना चाहिए। कंपनी के सामने अपने डॉक्यूमेंट रखने चाहिए कि सर आप बता रहे बीमारी, लेकिन डॉक्टरी रूप से, मेडिकल साइंस के रूप से मुझे इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है कि मैं काम करने में असक्षम हूँ, मुझे पहले भी ये प्रॉब्लम थी, मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, काम रेगुलर कर रहा हूँ, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेडिकल के या डॉक्टर के इलाज की जो भी हैं रिपोर्ट है आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, फिर भी अगर कंपनी ऐसा, नहीं जी हमें तो निकालना ही है आपको, तब आप मोहरे में संपर्क कर सकते हैं मानव संसाधन मंत्रालय में, वहाँ पे कंपनी के खिलाफ में एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे पेश कर सकते हैं। जी हाँ, ताकि फिर वहाँ से कंपनी के पास कॉल आता है, उनको समझाया जाता है कि बंदा मान ले भाई, बंदे को काम, बंदा सही है, काम करने देना, फिर भी भाई कंपनी नहीं मानती है, तो फिर आप उनको एडवांस में 3 महीने की तनख्वाह मांग सकते हैं मुआवजे के तौर पर। जी हाँ, अगर कंपनी आपको निकालती है, जिस दिन निकाला उस दिन तक का पीछे की तनख्वाह प्लस आपका आगे का 3 महीने की, जितनी पीछे की, जैसे महीने की 2000 दराम तनख्वाह है आपकी, तो 3 महीने के 6000 दराम आप उनसे मुआवजे के तौर पे ले सकते हैं, जो कंपनी को देना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, ये कानून में लिखी हुई बातें हैं और कंपनियों को देना होता है, बेशर्ते आपको पता होना चाहिए, कानून आपको जानकारी में रहना चाहिए, तब देगी भाई, वरना तो कोई चांसेस नहीं है देने की। जी हाँ, तो बस ये अपडेट आप लोगों को साथियों देनी थी कि क्या बीमारी होने पे कंपनी जॉब से निकाल सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, नहीं निकाल सकती। नॉर्मल अगर बीमारी होती है तो कंपनी उसका ट्रीटमेंट करवाती है, गंभीर बीमारी का बहाना बना के नहीं निकाल। हाँ, लगता है कि भाई ये लाइलाज हो गया, अब ये काम नहीं कर सकता, मेडिकली रिपोर्ट में प्रूफ हो गया, तब कंपनी आपको घर भेज सकती है। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय